नमस्कार, आप देख रहे हैं याम न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा, रुक करते हैं खास खबरों की ओर। अपनी नवगठित पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पूरे प्रदेश में जनसेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। देर शाम झांसी पहुंचे राजा भैया ने गाड़ियों के काफिलों के साथ जिले में प्रवेश किया और अपनी धमक दिखाते हुए बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी, उनसे गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि सभी राजनीतिक दलों से उन्होंने गठबंधन के किसी भी विकल्प को बंद नहीं किया। लखनऊ से शुरू हुई जनसेवा संकल्प यात्रा के साथ देर शाम झांसी पहुंचे पूर्व मंत्री राजा भैया ने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, 2018 में पार्टी का गठन किया गया था, जिसके बाद कोविड-19 का कहर शुरू हो गया। जनसंपर्क सभाएं रैली आयोजित नहीं हो पाई। अब जनसंपर्क जनसेवा संकल्प यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी से मुलाकात की जा रही है। देखिए बड़ी खबर विस्तार से। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी 100 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ उतारेगी, जिसके बहुत ही शानदार परिणाम सामने आएंगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी परिचय दिया। बताया, आमतौर पर नया दल तब बनाया जाता है जब किसी को लगने लगे उसके दल में उसकी महत्वता कम हो रही है, उसके अधिकारों में कटौती की जा रही है। कुछ ऐसा ही था जब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन हुआ। उन्होंने कहा, कोई भी क्षेत्रीय दल किसी जाति विशेष को लेकर यदि बनाया भी जाता है तो उनका विधानसभा अथवा लोकसभा में खाता तभी खुलता है जब वो किसी बड़े दल से गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी नहीं। अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के बारे में उन्होंने बताया, उनका परिचय दिया और उनके लंबे राजनीतिक करियर की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, पार्टी को मजबूती के लिए ही ये जनसेवा संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जो कि कुंडा से सटी हुई, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी चौथी बार MLC हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे। आम तौर पे लोग पार्टी का गठन तब करते हैं, जरा बाहर कह देना रे भैया, आम तौर पे लोग पार्टी का गठन तब करते हैं जब वो किसी पार्टी में मौजूद हों, उनको लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही, उनकी सुनी नहीं जा रही है, तथा कथित रूप से उनको घुटन महसूस हो रही है, उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई, खिन्न होकर के वो लोग पार्टी का गठन कर लेते हैं, या अपने किसी एक जाति विशेष को पकड़ करके उन्होंने एक पार्टी का गठन किया। अन्य दलों और जनसत्ता दल में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जिन छोटे या नए दल, जो भी आप लोग नाम देना चाहें, इन लोगों ने जब तक किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं कर लिया तब तक ये विधानसभा या पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए। इनका खाता ही तब खुलता है जब ये बड़े दल से किसी से गठबंधन कर लेते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं, लेकिन जनसत्ता दल के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग एक लंबे कार्यकाल से विधानसभा के सदस्य मौजूद हैं और परिचय की अगली कड़ी में शैलेंद्र कुमार जी हैं, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। डॉक्टर कैलाशनाथ ओझा हमारे वरिष्ठतम सहयोगी और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन प्रतापगढ़ के रहे हैं। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।